एक दिन में ही क्या कुछ नहीं हो गया। पीहू और राघव ही दोनों घर छोड़कर चले गए। दुल्हन बनी प्राची ही बस चीखती चिल्लाती रह गई कि मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना हंगामा हुआ ही जिसका असर एलके पर कुछ यूं हुआ ही मानो उसे हार्ट अटैक आ गया। अब राघव को सारे गलत समझ रहे हैं, एलके तो उसके नाम से चिढ़ रहा है। फिर ऐसे में ही पीहू ने तो फैसला ले लिया है कि वो राघव का साथ देगी, तो एलके को झटका तो लगेगा ही। शादी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। एलके की तबीयत बहुत खराब हो गई। दुल्हन बनी प्राची बस रो रही थी। उसे तो लग रहा है जैसे वो अकेली पड़ गई है। राघव भी नहीं है और पीहू भी चली गई है। इधर जोश मौके का फायदा उठा रहा है, प्राची को अपना कंधा दे रहा है रोने के लिए। अब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं होता तो सीरियल की कहानी आगे कैसे बढ़ती, क्योंकि हमने सुना है कि अब सीरियल में लीप हो जाएगा। पीहू ने अभी अभी डायलॉग मारा था ना कि राघव और वो कुछ बन कर दिखाएंगे, तो सही बात है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे ये, और जब लौटेंगे तब उन्हें देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। फिलहाल प्राची की ये शादी अभी तक के लिए तो टल गई है।